सभी को जय मसीह की। मैं हमारे सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं कि आप हमारे इस व्याख्यानों में शामिल हो रहे हैं। सच में मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर से एक बार हमें ऐसे इकट्ठा होने का मौका दिया है। तो जैसे कि हम जानते हैं, कल हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसके वजह से कल का व्याख्यान भी हम नहीं कंटिन्यू कर पाए। तो इसलिए आज उन सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमने कुछ ऐसे प्रयासों को करने की कोशिश की है, जिसकी सूचनाएं मैं आपको देकर शुरुआत करना चाहूंगा। आप इस व्याख्यानों में जुड़ते समय हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि आपका वीडियो आप ऑन रखिए, और जब आपका नाम आप जूम पर लिखते हैं, आपका जो नाम डालकर आप जूम में प्रवेश करते हैं, उस समय में आपका खुद का प्रॉपर फुल नेम अगर आप डालोगे तो बहुत अच्छा होगा। इस मीटिंग में जुड़ते समय आप डायरेक्टली मीटिंग में नहीं जुड़ पाएंगे, जूम से जो हमारे साथ में जुड़े हुए भाई बहन डायरेक्टली नहीं जुड़ पाएंगे। आपको एक वेटिंग रूम में, के जैसे एक उसमें फैसिलिटी है, तो उस वेटिंग रूम में रुक कर फिर यहाँ से जो कोई भी हमारे भाई बहन है, जो होस्ट है या को होस्ट है, वो आपको अंदर आने की इजाजत देंगे। लेकिन अंदर आने की इजाजत देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो आपका नाम है। अगर आप आपके नाम को सही रीति से नहीं लिखे हो, या फिर आपका नाम अभी फिलहाल एक जन है जिन्होंने 1+7 ऐसा नाम लिखा है, ऐसे नाम के लोगों को अंदर आने के लिए हम इजाजत नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम नहीं जानते उनकी उनकी जानकारी नहीं रखते कि ये व्यक्ति कौन है या क्या है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है, आपके जो दोस्त होंगे या रिश्तेदार होंगे जिनको भी आप इसके बारे में बताना चाहते हैं, या अभी जो हमारे साथ में YouTube पर जुड़े हैं और फिर जूम पर हमसे जुड़ना चाहते हैं, ऐसे जो भाई बहन हैं वो कृपया करके आपके नाम को सही रीति से लिख कर ही जुड़े, ताकि हम आपको इस मीटिंग में शामिल करके दे सके। और मेरे साथ में जो दूसरे भाई हैं जो इस मीटिंग को भी को होस्ट कर रहे हैं, वो इस बात का ध्यान रखेंगे ताकि हम बिना मुश्किल के, बिना किसी दिक्कत के वचन को सीख सके, वचन का अध्ययन कर सके। असल में ये जो समय हम बिता रहे हैं इन व्याख्यानों के द्वारा, बहुत ही अनुग्रह से भरा हुआ समय है ना, क्योंकि ये जो है, ये जो समय है, ये समय परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने का, परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के मन से मिलने का ऐसा समय हम बिता रहे हैं। तो ये समय मेरे लिए भी बहुत ही अनुग्रह से भरा हुआ रहा है, और हमारे भाई बहनों के लिए भी जो भी इसमें जुड़े हैं उनके लिए भी जरूर अनुग्रह से भरा हुआ रहा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। तो किसी भी रीति से हमारा ये अनुग्रहकारी समय यहीं पर रुक ना जाए या खत्म ना हो जाए, इसलिए हमने बहुत हम कोशिशों में हैं। असल में जब से हमने जूम और यूट्यूब की शुरुआत की, बहुत सारे लोगों ने मुझे संपर्क करके बताया कि पास्टर जी, ये जो आप जूम और यूट्यूब के द्वारा वचनों का अध्ययन कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, हम भी बहुत कुछ सीख पा रहे हैं, मेरे माता पिता है या मेरे दोस्त है, रिश्तेदार है, जिनको मैं यीशु के बारे में बताना चाहता था, सुसमाचार प्रचार करना चाहता था, लेकिन उनको मैं नहीं कर सका था, तो इन इन यूट्यूब पर के व्याख्यानों के द्वारा उनको मैं सही रीति से बता सका, उन तक वचन भी पहुंचा सका। तो हम भी बहुत धन्यवादित है कि इस रीति से भाई बहन भी चाहते हैं इस प्रकार का जो अध्ययन हो, बाइबल का अध्ययन हो, वो जारी रखे। और कुछ लोगों ने कहा कि पास्टर इसे सिर्फ कोरोना तक ही सीमित ना रखते हो, कोरोना में जब तक ये लॉकडाउन का पीरियड है उसी के लिए सीमित ना रखते हुए आगे भी अगर कंटिन्यू हो सके तो बहुत अच्छा होगा। तो उसके लिए जैसे परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा उस रीति से हम जरूर इसका आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के इस व्याख्यान को प्रार्थना करते हुए शुरुआत करेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा और फिर हम शुरुआत करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर पिता, सच में पिता, आपके सामने हम मनुष्य कुछ भी नहीं है, हम तो इस धरती की मिट्टी के समान है, धूल के समान है, जो हमारे सारी चीजों को इकट्ठा करके आपके सामने रखा जाए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रभु, हमेशा हम अपने आप को ऊंचा समझकर, अपने आप को स्थापित करते हुए जीवन जीता है। शैतान ने हमारे मन को इतना दर्द में और तकलीफ में डालने के लिए हमें ऊंचा बनाया, ऊंचा उठाया, और इस प्रकार के दर्द और तकलीफ में जीते जीने के लिए लगाया। आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो मसीह के मन से नहीं मिल पाए हैं, मसीह के मन को नहीं जान पाए हैं, इसलिए अभी भी अपने मन में वो सुनसानपन, वो खालीपन, वो अंधकार महसूस करते हुए जी रहे हैं। इसलिए प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मूल्यवान समय दिया है, जब हम हमारे ज्ञान को नहीं बल्कि मसीह के ज्ञान को, मसीह मुझसे क्या कहता है, मसीह मुझसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर का मन मेरे प्रति क्या है,
वो बांट सके और सुन सके। प्रभु सच में आपसे अनुग्रह मांगते हैं इस समय के लिए, आज के इस व्याख्यान को भी आप आपके हाथों में थामे रखिए प्रभु। जब तक आप हमें अनुग्रह नहीं दोगे तब तक हम इस रीति से भी मिलना हमारे लिए मुश्किल है, इसलिए आपके अनुग्रह और आपकी दया के तौर पर द्वारा ही हम ऐसे साथ में समय बिता सकते हैं। इसलिए प्रभु आपसे दया और अनुग्रह मांगते हैं आज के इस व्याख्यान के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए जो सारे भाई बहन हैं उनको भी आप अनुग्रह दीजिए कि वचन के द्वारा जो अध्ययन होगा उस अध्ययन में और गहराई से प्रवेश कर सके। हमारे मनों को शांत कीजिए, हमारे मनों को ऐसे ऐसे नम्र दशा में लेके जाइए जहां पर आपके वचन को हम बहुत सटीकता से स्वीकार कर सके। प्रभु इस सुबह के समय को आपके हाथों में देते हैं, ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। जी हम आज भी इस अय्यूब के मन फिराव और विश्वास के बारे में सीखने वाले हैं। पिछले बार भी जैसे हमने अय्यूब के मन फिराव और विश्वास के बारे में सीखा, हम जान सके कि कैसे अय्यूब का मन परमेश्वर से बहुत ही अलग है। परमेश्वर को अपना दुश्मन मानता है, परमेश्वर को अपना ऐसा शत्रु मानता है और वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे निशाना बनाया है, निशाना ऐसा निशाना मतलब हमेशा परमेश्वर ही मुझे तोड़ता रहता है, मुझे तकलीफ देता है। इस प्रकार की एक गलत फहमी में अय्यूब अपना जीवन जी रहा होता है। सिर्फ अय्यूब ही नहीं, हम में से बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में जीवन जीते हैं। हम बहुत ज्यादा विश्वास करना चाहते हैं, परमेश्वर पर निर्भर रहकर रहना चाहते हैं, लेकिन जब हमारे साथ में कुछ तो गलत या कुछ तो बुरा होता है तो हमेशा क्या सोचते हैं, परमेश्वर ही मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, क्यों परमेश्वर मेरे साथ कुछ अच्छा होने नहीं देता। असलियत में परमेश्वर मेरे साथ कुछ गलत या बुरा नहीं कर रहा, बल्कि परमेश्वर मेरे लिए जो सबसे बेहतरीन चीज है वो मुझे दे रहा है। सबसे बड़ा विश्वास अगर हम कुछ पा सकते हैं तो ये है कि परमेश्वर मेरा पिता है और वो पिता मेरे संग है, मेरे साथ में है और हर पल में मुझे अनुग्रह ही देना चाहता है। हमारे भाई बहनों को याद होगा पिछले व्याख्यान में हमने सफनिया का 3:17 बांटा था, सही है? वो सफन्या के 3:17 में परमेश्वर का मन व्यक्त किया गया है। परमेश्वर कहता है कि बाइबल में लिखा है तेरा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो तेरे बीच में है और वो तेरे संग है और वो केवल तुझे मदद ही नहीं करता, इतना ही नहीं बल्कि वो तुझसे इतना प्रसन्न है, इतना खुश है कि उस खुशी के मारे वो रहा नहीं जा सकता, उस खुशी के मारे वो बहुत ही आनंदित है, मगन है। इस रीति से हमने पिछले बार भी देखा था। तो आइए आज आगे जारी रखते हुए अय्यूब के 42 को हम पढ़ेंगे। मैं नहीं चाहता आज इस समय में मैं ये पूरा अय्यूब के बारे में बात कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन जितना परमेश्वर अनुग्रह देगा उतना हम आपके साथ में जरूर बांटना चाहेंगे। आइए हम अय्यूब उसके 42 को 1-6 तक पढ़ेंगे। हमारे साथ में जो भाई बहन उनमें से कोई पढ़ना चाहेगा अय्यूब का 42 जॉब चैप्टर 42 1-6 तक, जी कोई पढ़ना चाहेगा हाथ ऊपर उठा सकता है। जी करेश भाई है, करेश भाई क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी क्या आप हमारे लिए पढ़ सकते हैं 1-6 तक? यस पास्टर। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तूने पूछा तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है, परंतु मैंने तो जो नहीं समझा था वही कहा, अर्थात जो बातें कठिन और मेरी समझ के बाहर थी वो मैं जानता था। तूने कहता हूँ सुन मैं कुछ कहूंगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था परंतु आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में अशतप करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर। यहाँ पर हम देखते हैं तो अय्यूब के पश्चाताप के विषय में लिखा हुआ है। अय्यूब को पश्चाताप क्यों करना पड़ा? असलत में हर एक मनुष्य परमेश्वर से अलग मार्ग में गया हुआ है। हमने शुरुआत से ये बात करते हैं कि पश्चाताप का मतलब क्या है, मन फिराव का मतलब क्या है। तेशुआ ये एक हिब्री शब्द है, हिब्री वर्ड है तेशुआ। तेशुआ का मतलब है मन फिराव, पश्चाताप। लेकिन तेशुआ का अर्थ सिर्फ गिड़गिड़ाना, रोना या किसी बात के लिए पछताना, इतना ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? फिर जाना, मेरे मार्ग से परमेश्वर के मार्ग की ओर फिर जाना, ये मन फिराव है। तो यहां पर अय्यूब ने मन फिराया है।
ज्यादातर लोग जब बाइबल को पढ़ते हैं कई बार बाइबल को समझने में मुश्किल होती है, सभी को होती है। इसका कारण क्या है? मेरी सोच और परमेश्वर की सोच में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत ही ज्यादा फर्क है। तो मैं परमेश्वर को मेरे सोच से, मेरे ज्ञान से समझ ही नहीं सकता। तो मुझे परमेश्वर को जानना है तो सबसे पहले अपनी सोच को फेंक कर परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना होता है। इसलिए इस आयुब की पुस्तक को भी बहुत कई बार हम जान नहीं पाते। शुरुआत में देखेंगे आयुब धर्मी है, आयुब इतना अच्छा व्यक्ति है, पर फिर क्यों इसके ऊपर इतनी मुश्किलें आती हैं? और फिर बीच में के हिस्से में तो आयुब इतने शिकायत कर रहा है, फिर वो धर्मी है क्या? फिर वो सच में परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है क्या? इस रीति की बहुत सारे सोच विचार हमें आ सकते हैं। लेकिन ये आयुब जिसको शुरुआती में हम जब देखते हैं, मैं भी जैसे बाइबल पढ़ते हुए जाता हूँ, एक 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 अध्याय का अध्ययन करते जाता हूँ, तो उस व्यक्ति का एक चित्र हमारे सामने दिखाई देता है। जब पहला और दूसरा अध्याय पढ़ते हैं तो आयुब का चित्र कैसे दिखता है? बहुत ही अच्छा व्यक्ति, सबकी मदद करने वाला व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, परमेश्वर ने उसे अनुग्रह दिया है, ऐसा व्यक्ति। ये अनुग्रह क्या अनुग्रह है? कौन सा अनुग्रह है? मतलब उसके पास में सब बहुत आयत में है, उसके बाल बच्चे हैं, उसके लोग हैं, सब सब उसके पास में है, दास दासियां हैं, सब कुछ है। इस प्रकार से सब कुछ पाकर भी हम देख सकते हैं कि एक और दो अध्याय में वो सब खो देता है। तो इस धर्मी आयुब को मन फिराने की क्या जरूरत थी? जरूरत नहीं थी ना, वो इतना सही रीति से तो जी रहा था, उसको मन फिराने की क्या जरूरत है? लेकिन हमने एक बात क्या जाननी चाहिए कि चाहे कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, भले उसका बाहरी स्वरूप या बाहरी रूप या बाहर के बर्ताव कैसे भी क्यों ना हो, उसको मन फिराव की जरूरत होती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो जन्म से पाप में जन्मता है। पाप जैसे अय्यूब, जैसा माफी से दाऊद भजन संहिता की 51 अध्याय में कहता है, मैं मेरी माँ के गर्भ से ही पापी जन्मा हो, पाप में जन्मा हो। तो जब से मैंने जन्म लिया तब से मैं पाप के अंदर पैदा होता हूं। पाप, पाप को दूसरे शब्दों में व्यक्त करने के लिए जाएंगे तो मृत्यु कह सकते हैं। जैसे बाइबल में लिखा है पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। ये मृत्यु क्या है जो सब मनुष्य में फैली हुई है? ये मृत्यु मतलब ये आत्मिक दशा है, मृतक आत्मिक दशा, परमेश्वर से अलग होकर उस मृतक दशा में हम चले गए हैं। ये इस पाप में हम जन्मे। तो मतलब जन्म से चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, आप सभी लोग जो है, आपको हम में से हर एक व्यक्ति जन्म से परमेश्वर से अलग होकर जन्मा। तो उस अलग होकर जन्मने के बाद में उसको एक बात जानने की क्या जरूरत है? मुझे परमेश्वर की ओर लौटना चाहिए, मैंने परमेश्वर की ओर फिरना जरूरी है, परमेश्वर पर विश्वास करना जरूरी है और परमेश्वर से जुड़ना जरूरी है। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग इस आवश्यकता को समझ नहीं पाते कि मैंने परमेश्वर की ओर क्यों लौटना चाहिए, क्यों मैंने परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। विशेष करके जब हम पापों की क्षमा के बारे में भी सोचते हैं, पिछले मिलाप तंबू में भी उसके विषय में हमने बात किया कि पापों की क्षमा को किस रीति से पाया जाता है, इसके ऊपर लोगों का ध्यान रहता नहीं है। हमेशा क्या लगता है, मैं अच्छे रीति से जीऊंगा तो उतना काफी नहीं है क्या? मेरे कुछ कुछ अच्छे कामों से परमेश्वर खुश होगा, मैं अच्छे काम करते परमेश्वर के सामने जाऊंगा, उतने रीति से परमेश्वर मुझे स्वीकार नहीं करता क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि परमेश्वर से हम आत्मा से अलग हो गए हैं, तो उससे जुड़ना भी जो होता है वो बस कुछ हमारे कर्मों से यार हमारे कामों से जुड़ नहीं सकते। इसके लिए मैं बात करने के लिए कुछ वचनों को पढ़ना चाहूंगा, हम आयुब के बारे में इसी के द्वारा बात करना चाहते हैं, तो आज इन वचनों को कुछ ध्यान से देखते हैं। आइए रोमियो का 5 अध्याय हम खोलेंगे, रोमियो रोमियो का 5 अध्याय उसका 19 वचन, रोमियो का 5 अध्याय का 19 वचन, क्या कोई हमारे लिए पढ़ेगा? रोमियो के 5 अध्याय का 19 वचन क्या कोई पढ़ना चाहेगा? Romans chapter 5 verse 19. जी सिस्टर रीना पढ़ सकते हैं। जी सिस्टर। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। यहाँ पर मैं इसके विषय में क्या बात करना चाहता हूँ, ये जो 5 अध्याय के 19 वचन में लिखा है, एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से,
एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। आप तो जानते ही एक मनुष्य कौन है जिसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, कौन है? आदम। आदम के कारण हम पाप में जन्मे, पाप में पैदा हुए। तो एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। वैसे ही यहाँ पर 19 वचन में क्या कहा गया, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहराए जाते हैं। एक मनुष्य की तो आज्ञा मानने से पापी ठहरे, वो तो पता है आदम। तो फिर एक मनुष्य की आज्ञा मानने से, कितने मनुष्य की? एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहराए जाते हैं। ये एक मनुष्य कौन है? ये कौन है? यीशु मसीह है ना। यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। तो इस वचन में सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसमें एक मनुष्य आदम है और एक मनुष्य यीशु है। दो है, आदम और यीशु, ये दोनों है। मैं कहा हूं? मेरे काम या फिर मेरे कृत्य, मेरी चीजें कहाँ शामिल है? पापी बनने के लिए भी, मतलब परमेश्वर से अलग होने के लिए, परमेश्वर से मैं जो अलग हो गया, हम मन फिराव के बारे में बात कर रहे हैं। मन फिराव मतलब परमेश्वर से अलग मार्ग में जाते हुए फिरना, वापस लौटना है हमको। तो मैं परमेश्वर से अलग होते हुए भी, उस अलग होने के लिए भी मैंने खुद ने कुछ नहीं किया। किसने किया? एक मनुष्य आदम ने, हमारा पूर्वज आदम। उस आदम के कारण हम पाप में जन्मे, पाप में पैदा, मतलब परमेश्वर से अलग हो गए। और फिर एक मनुष्य यीशु के द्वारा ही जोड़े जा सकते हैं, यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर से वापस जोड़े जा सकते हैं। लेकिन बहुत लोग क्या होते हैं, अलग हो गए हैं, अलग होते हुए भी अपनी पहचान उनको नहीं पता कि मैं परमेश्वर से अलग हो चुका हूं। सही नहीं, मतलब मैं परमेश्वर से अलग हूं, जन्म से मृतक जन्मा हूं, जन्म से पाप में जन्मा हूं, लेकिन इस बात की जानकारी ही नहीं है कि मैं परमेश्वर से अलग जन्मा हूं, परमेश्वर से जुड़ा हुआ नहीं हूं, पापी हूं, मैं सच में मृतक हूं, परमेश्वर से अलग हो चुका हूं। इस बात को नहीं जानने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। ये आयुब को अगर हम देखेंगे ना, आयुब का भी जीवन बिल्कुल ऐसा ही है। आयुब ने कभी भी अपने आप को सटीकता से परमेश्वर के सामने देखा ही नहीं है, मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं। आज 42 अध्याय जो पढ़ा, उसमें आयुब अपने आप को आविष्कार कर सकता है, देख सकता है। परमेश्वर के सामने जब खड़ा रहता है तब उसको पता चलता है मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं, लेकिन उससे पहले कभी आयुब ने देखा ही नहीं है। तो इस आयुब के पूरे पुस्तक में परमेश्वर क्या करता है पता है? परमेश्वर आयुब को खुद को देखने का मौका देता है। देख तू इस प्रकार से, ये बिल्कुल कैसा है पता है? हम पाप में जन्मे, मतलब परमेश्वर से अलग होकर जन्मे, लेकिन पता नहीं होने के कारण ये पाप एक ऐसी बीमारी बन जाती है जिसका इलाज ही नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं आपको बीमारी है, उसका इलाज कैसे करोगे? सही है कि नहीं? इन दिनों में जैसे कोरोना वायरस की जो बीमारी बहुत फैल रही है, लगातार फैल रही है, उसके लिए लॉकडाउन में भी हम है। तो ये कोरोना वायरस इतनी खतरनाक क्यों है पता है? इतने खतरनाक बीमारी होने का कारण ये है कि जब ये वायरस एक मनुष्य को, उस मनुष्य में प्रवेश करता है, उसको अफेक्ट करता है, तो अफेक्ट करने के बाद में 14 दिन का ऐसा समय होता है ना, इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं उसको। उस समय में आपको वो वायरस प्रभावित कर सकता है। उस 14 दिन के बाद में, 2 से लेकर 14 दिन के बीच में आप में सिम्टम्स, जो लक्षण है, वो दिखने लग जाते हैं। लेकिन जब तक ये सिम्टम्स और लक्षण दिखते नहीं है, तब तक कैसे पता आपको बीमारी हुई है कि नहीं? अभी जैसे भारत में भी, हालांकि हमारी गवर्नमेंट भी और बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हम हमारे शुरुआत के इसके लड़ाई को देखेंगे कोरोना वायरस के साथ में, हमने किस रीति से कोरोना वायरस को पहचानने की कोशिश की पता है? जिसको सिम्टम दिखाई दिया उसको कोरोना वायरस है ये बताया, मतलब वो उसको ट्रीटमेंट शुरू किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये वायरस आपको हो जाता है, वो लग जाने के बाद से तुरंत वो फैलने लगता है। तो भले आपको सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हो, लेकिन वो वायरस फैलाने वाले आप बनते हो, है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें लक्षण नहीं दिखाई देते, जो लोग जवान हैं, जो उनका इम्यूनिटी पावर ज्यादा अच्छा है, उनमें वो वायरस उनको ज्यादा तकलीफ नहीं देता, उनमें ज्यादा काम नहीं कर पाता, लेकिन उनमें से फैलता जरूर है। तो ऐसे लोग जिनमें लक्षण नहीं दिखाई देते, ऐसे जवान लोग असलियत में ज्यादा खतरनाक है। क्यों? अगर लक्षण दिखाई देंगे तो कम से कम घर में तो बैठे रहते थे, लेकिन लक्षण नहीं दिखने के कारण हमेशा, मैं तो
मैं हेल्दी हूँ, मुझे कुछ नहीं होता, ऐसे सोचकर बाहर घूमने वाले लोग बहुत सारे। तो जब लक्षण नहीं दिखाई देते ना बीमारी के, तो बहुत खतरनाक बीमारी होती है। तो वो बीमारी आपको मार रही होती है तभी भी पता नहीं चलता कि वो बीमारी आपको मृत्यु की ओर लेके जा रही है, जब लक्षण नहीं दिखाई दे रहे। उसी रीति से पाप एक ऐसी बीमारी है, पाप के लक्षण हमें दिखाई देते हैं, सही है ना। हम जब झूठ बोलते हैं या फिर व्यभिचारी मन आता है या व्यभिचार करते हैं, ये सब लक्षण है। लक्षण क्योंकि अंदर पाप है इसलिए ये सारे लक्षण बाहर उत्पन्न होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे अय्यूब जैसा व्यक्ति, अय्यूब क्या कहता है, मैंने कभी कुछ भी बुराई की नहीं है, मैंने कभी कुछ भी किसी रीति से कुछ किसी भी बुरे काम में मैं शामिल नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। हमने जो 30 अध्याय को पढ़ा था पिछली बार, उस 30 अध्याय में अय्यूब क्या कहते हैं, मैंने किसी लड़की को आंख उठा के भी नहीं देखा है, मैंने मेरे मन में कुछ भी बुरा नहीं किया है। इस प्रकार का व्यक्ति ज्यादा खतरनाक नहीं है क्या? हालांकि परमेश्वर से तो अलग है, पाप में जन्म कर परमेश्वर से तो अलग रीति से जी रहा है, अलग होकर जी रहा है, लेकिन यही नहीं जानता कि मैं परमेश्वर से अलग हूं। ये ज्यादा खतरनाक दशा है जब परमेश्वर, जब हम जानते ही नहीं कि कैसे मैं परमेश्वर से अलग हूं। तो उस समय में जब सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जब लक्षण दिखाई देते हैं, तब जान सकते हैं मुझे ये बीमारी हुई है। ये अय्यूब के 3 अध्याय से लेकर 32 अध्याय तक अय्यूब के सब सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। अय्यूब परमेश्वर के खिलाफ बोल रहा है, परमेश्वर को गाली दे रहा है, उसके इर्द गिर्द के लोगों को गाली दे रहा है। ये सिम्टम्स है ना, ये दिखाता है कैसे अय्यूब सच में परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता। लेकिन आज तक अय्यूब किस भ्रम में जिया कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, मैं परमेश्वर पर विश्वास करके जीने वाला व्यक्ति हूँ। इस रीति के भ्रम में जीवन जीते समय अय्यूब कभी भी परमेश्वर की ओर मुड़ने का, फिरने का काम कर ही नहीं सकता। कभी भी वो मन फिरा, तेशुआ उसमें आ ही नहीं सकते, क्योंकि तेशुआ करने की जरूरत ही उसको महसूस नहीं होती। वो सोचता है मैं तो परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं, ऐसा कहते हैं, चर्च में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कई बार हम देख सकते हैं उनके मन में परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास ही नहीं है। परमेश्वर जो उनको बता रहा है, जो वचन उनको कहता है, उस वचन पर विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी नहीं यार, मैं चर्च में तो जाता हूँ ना, मैं बाइबल तो पढ़ता हूँ ना, ज्यादा नहीं है लेकिन कभी कभार तो बाइबल पढ़ता हूँ, तो बस हो गया ना, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं भी इसी प्रकार का एक व्यक्ति था। मैं भी जब भी चर्च जाता था ना, मैं हमेशा साल में दो बार चर्च जाता था। एक तो ईस्टर या फिर गुड फ्राइडे, दोनों में से एक ही दिन, ईस्टर या फिर गुड फ्राइडे को या फिर और क्रिसमस को। और वो भी जाने का कारण था क्योंकि बाहर बहुत सारे मेला जैसा, मतलब कुछ खाने के लिए बहुत सारी चीजें होती थी, तो चर्च वो सारी चीजों का आनंद लेने के लिए मैं चर्च में, सिर्फ नाम के लिए क्रिश्चियन, मतलब कभी कभार चर्च में जाने वाला, इस प्रकार का मैं भी था। तो ऐसे जितने समय कोई अगर मुझसे कहता तू परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, तो इस बात को मैं मान ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा थोड़ी है, मैं तो विश्वास करता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ ना, मैं, मेरे माँ बाप क्रिश्चियन है, मेरे परिवार में सब क्रिश्चियन है, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में लक्षण देने शुरू कर दिए। लक्षण, पिछले बार हमने रोमियो का 11 अध्याय का 32 वचन भी बांटा था, वहां पर लिखा है, जो वचन मैंने कहा ना, आप हमेशा आपके बाइबल को चेक करने के लिए वो वचन इस्तेमाल कीजिए, वो रोमियो का 11 अध्याय का 32 वचन, जहां पर लिखा है परमेश्वर ने उनको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा ताकि उन पर दया करे। आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखने की जरूरत क्या थी? दिखाने के लिए कि देख तू बीमार है, तू आज्ञा उल्लंघन करने वाला व्यक्ति है, तू तेरे किसी भी चीजों से मेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता, तुझे दया की जरूरत है, तुझे अनुग्रह की जरूरत है, तुझे यीशु की जरूरत है। इस बात की पहचान देने के लिए परमेश्वर ने मुझे आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा। यहाँ पर अय्यूब को देखेंगे, अय्यूब के जीवन में जितनी सारी मुश्किलें जो आई है, इस मुश्किलों के द्वारा परमेश्वर क्या दिखा रहे हैं अय्यूब को, अय्यूब देख किस प्रकार का व्यक्ति है। असल में हम मनुष्य समझ ही नहीं पाते, मैं किसको सुनकर जी रहा हूँ या किसके द्वारा खींचा जा रहा हूँ। बहुत ही आसानी से हम शैतान के धोखे में गिर जाते हैं। भाई बहनों, आप कैसे पहचानोगे आप शैतान से धोखा खा रहे हो क्या? आप कैसे जान सकते हो शैतान आपको इस्तेमाल कर रहा है? असल में अय्यूब के मन में परमेश्वर के विरुद्ध में बोलने वाला मन, किसी की भी नहीं सुनने वाला ये जो मन है, ये मन परमेश्वर से आया मन है क्या? क्या परमेश्वर ने उसको ये संबंध है? बिल्कुल नहीं, शैतान के द्वारा डाला हुआ ये मन है, और शैतान के द्वारा डाले हुए इस मन को पाक कर भी, रख कर भी वो परमेश्वर पर विश्वास करता है, ऐसा लगता है। सबसे खतरनाक बात क्या होती है, शैतान पर किस तरीके से लोग विश्वास करते हुए जीते, पता है?
हमने यहूदा इस्करियोत के बारे में भी जो पढ़ा था, शैतान दूसरे किसी तरीके से नहीं, इस मैं नाम के इस अस्तित्व को इस्तेमाल करके मुझे धोखा देता है। मेरे अंदर मेरी सोच, मेरे मन, मेरी राय पूरे डालने के बाद में मुझे नाश की ओर खींचे लेने जाने का काम शैतान करता है। लेकिन इस मैं की पहचान लोग पा नहीं पाते। जैसे अय्यूब भी किसके द्वारा चलाया जा रहा है वो नहीं जानता, बस वो उसको लग रहा है मैं सही हूं, मैं इतने रीति से सब कुछ अच्छे रीति से किया है, क्यों मेरे साथ में ही बुरा हो रहा है, इस रीति से सोचता है। लेकिन कभी नहीं जान पाता कि मेरे अंदर मुझे कौन खींच रहा है। भाई बहनों, आपको याद है पिछली बार मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, जिस वीडियो में एक हेयरवर्म, एक कीड़े का वीडियो था, जो देखकर आप में से बहुत सारे लोग परेशान भी हुए होंगे। लेकिन वो वीडियो में जैसे वो जो हेयरवर्म है वो टिड्डा ग्रास हॉपर के अंदर प्रवेश करता है और उसके अंदर से उसको नियंत्रित करता रहता है और खींचता रहता है। शैतान भी बिल्कुल उसी रीति से चलाता है हमको। वो ग्रास ऊपर सोचता होगा मुझे तो पानी की ओर नहीं जाना है, लेकिन पानी की ओर जाता है, पानी में कूद जाता है। वैसे हम भी सोचते हैं ना, मैं नहीं जीना चाहता बुरा, मैं अच्छे सही रीति से जीना चाहता हूं, लेकिन शैतान हमें खींचते हुए लेके जाता है। तो सबसे खतरनाक, सबसे बेहतरीन धोखा किसे कह सकते हैं? आइए एक वचन पढ़ेंगे हम, यिर्मयाह का 17 अध्याय, यिर्मयाह उसका 17 अध्याय का 9 वचन। हमारे लिए कोई पढ़ेगा? यिर्मयाह का 17 अध्याय का 9 वचन जी, कोई पढ़ सकता है? यिर्मयाह का 17 अध्याय, सिस्टर ट्रीजा पढ़ सकते हैं। नमस्ते मास्टर जी। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ये बाइबल में यिर्मयाह के 17 अध्याय के 9 वचन में मन के बारे में लिखा गया है। ऐसी है यहाँ पर ये 9 वचन में ऐसा लिखा है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मनुष्य का मन, आपका मन, मेरा मन, ये सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। क्यों ऐसा है? आपने कभी आपके मन से धोखा खाया है? आप कभी अपने आप से धोखा खाए हैं? आप थोड़ा सोचिए, आपको सबसे ज्यादा धोखा कौन देता है? आपके इर्द गिर्द के लोग, जो आपके साथ में आपकी पत्नी या फिर आपके पति, या कौन आपको सबसे ज्यादा धोखा देता है? आपके दोस्त? हमेशा अगर आप किसी से धोखा खाते होंगे ना, उस धोखेबाज को अगर आपको पता चल जाता है कि वो आपको धोखा दे रहा है, तब उस धोखे में से आप बाहर आ सकते हैं। ये मुझे धोखा दे रहा है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें से बहुत आसानी से बाहर आ सकते हैं। लेकिन सबसे एक पूरा एक परफेक्ट डिसेप्शन, मतलब बहुत ही परिपूर्ण ऐसा धोखा किसे कहा जा सकता है? जब हमें पता ही नहीं चलता हम धोखा खा रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है कि मैं धोखा खा रहा हूं। इस रीति से कौन करता है? मनुष्य का मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, ऐसा रोग जिसका कोई भी इलाज नहीं है, असाध्य है, ऐसा असाध्य रोग लगा हुआ है, उसका भेद कौन जान सकता है? ये मेरा मन मुझे सब वस्तुओं से अधिक धोखा देता है। मेरा मन मुझे ऐसी बातें बोलता है, और उसके पीछे जब मैं जाता हूं, अंत में मुझे क्या मिलता है? सिर्फ धोखा ही मिलता है। इस धोखे के पीछे जाते हुए क्यों मैं बार बार धोखा खाता हूं? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे धोखा दे रहा है। आज लोग अपने अंदर से आने वाली आवाजों को बहुत ही आसानी से सुनते हैं, जैसे कि ये मेरी आवाज है, ऐसे बहुत आसानी से सुनते हैं और चलाए जाते हैं। ये मन क्यों इतना धोखेबाज है? परमेश्वर क्यों मनुष्य के मन को इतना धोखेबाज बोल रहे हैं? उत्पत्ति के 6 अध्याय के 5 वचन में परमेश्वर कहता है, मनुष्य के मन से आने वाला हर एक विचार निरंतर बुरा ही है। मेरे मन से आने वाला हर एक विचार निरंतर बुरा ही है, ऐसा परमेश्वर कहता है। क्यों ये मेरा मन धोखेबाज है, निरंतर बुरा है, असाध्य रोग से ग्रस्त है? मनुष्य के मन के बारे में परमेश्वर इतना दुष्टता भरा है, ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि जो सबसे दुष्ट है वो इस मन के साथ में एक हो चुका है। सबसे दुष्ट, वो सबसे दुष्ट कौन है? शैतान।
शैतान मनुष्य के मन के साथ में एक हो चुका है। उत्पत्ति के 3 अध्याय से शैतान मनुष्य के साथ में एक होने के कारण मनुष्य इस शैतान की सुनते हुए जीता है, इस शैतान की सुनते हुए जीता है। उदाहरण के तौर पर आदम, आदम जब पाप में गिरा, आदम को शैतान किस प्रकार से बोल रहा था पता है? जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, आदम के आदम को एक ऐसी आवाज सुनाई दी, अरे बाप रे परमेश्वर आ गया, तुझे डरना चाहिए, तुझे छिपना चाहिए, तू जाकर झाड़ियों में छिप जा, तू नंगा है ना, तू ऐसे नंगा परमेश्वर के सामने कैसा खड़ा रह सकता है, जाकर छिप जा, इस रीति की आवाज आदम सुन रहा है। लेकिन आदम जानता नहीं है कि वो किसकी सुन रहा है, सही कि नहीं? आदम आदम नंगा था, पहले से ही नंगा था, परमेश्वर ने उसको वैसे बनाया, आदम की वो कमजोरी परमेश्वर की नजर में कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी कोई तो उसको कह रहा है कि तेरी ये कमजोरी परमेश्वर के सामने समस्या है, अभी उसे कोई तो कह रहा है कि तेरी ये नग्नता परमेश्वर के सामने समस्या है, तो इसलिए वो छिप रहा है, वो छिप रहा है। आदम किसकी सुन रहा है भाई बहनों? आदम किसकी सुन रहा है, कोई बताना चाहेगा? आदम क्यों छिप रहा है? कौन आदम को छिपने के लिए लगा रहा है, परमेश्वर से डरने के लिए लगा रहा है, परमेश्वर से दूर होने के लिए लगा रहा है, कौन है वो? कौन है, कोई जवाब देना चाहेगा? बहुत आसान सवाल पूछा है इसलिए आप जवाब नहीं देना चाहते क्या? सिस्टर रेजिना जवाब दे सकते हैं। जी 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 सही कहा, शैतान है ना, शैतान आदम को कह रहा है कि तू नंगा है, तू परमेश्वर के सामने से छिपना चाहिए, तू परमेश्वर के सामने मत जा, इसी तरह से शैतान बोलता है। लेकिन आदम को पता है क्या कि वो शैतान की सुन रहा है? आदम समझ पा रहा है क्या कि मैं शैतान की सुन रहा हूँ, ये मुझे छिपने के लिए जो कह रहा है वो शैतान कह रहा है? बिल्कुल नहीं ना, आदम जानता ही नहीं ये शैतान की आवाज है। दे आदम को क्या लग रहा है? अरे बाप रे मुझे ऐसा लगता है। आइए थोड़ा वो वचन को खोलेंगे, इस ये विषय बहुत ही गहरा विषय है जिसके बारे में मुझे नहीं लगता आज तो पूरा बात कर पाएंगे, हम कल भी इसके विषय में बात करेंगे। 3 अध्याय का, उत्पत्ति का 3 अध्याय, उत्पत्ति का 3 अध्याय उसका 12 वचन, 12 वचन क्या कोई पढ़ेगा? उत्पत्ति का 3 अध्याय 12 वचन जी सिस्टर रेजिना ही पढ़िए। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये वचन बहुत गहरा ऐसे परमेश्वर के और आदम के बीच के उस रिश्ते को दर्शाता है। यहाँ पर 9 वचन में परमेश्वर आदम को ढूंढते हुए आता है और कहता है, आदम तू कहाँ है? क्या परमेश्वर को पता नहीं आदम कहाँ है? परमेश्वर जानता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आदम को पुकार रहा है, आदम तू कहाँ है? और फिर 10 वचन में आदम क्या जवाब दे रहा है? 10 वचन को ध्यान से देखिए। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। ये 10 वचन में उत्पत्ति के पहले अध्याय से लेकर अब तक का एक शब्द पहली बार आया है, पहली बार एक शब्द आया, इससे पहले यह शब्द नहीं था, इससे पहले यह शब्द नहीं था, यह शब्द पहली बार इस 10 वचन में हमें दिखाई देता है। उत्पत्ति के पहले अध्याय में जब परमेश्वर ने आकाश सृष्टि की उत्पन्न किया, उसे आकाश पृथ्वी को बनाया, निर्माण किया, फिर मनुष्य को निर्माण किया, मनुष्य को अदन की वाटिका में रखा, सब किया परमेश्वर ने, सब किया है। 2 अध्याय में भी पूरा परमेश्वर ने कैसे आदम के लिए हवा बनाया, सब है। लेकिन इस 3 अध्याय के 10 वचन में एक ऐसा शब्द आया है जो पहले कभी नहीं था। वो कौन सा शब्द है? हाँ भाई बहनों, कौन सा शब्द है, कोई बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा? सिस्टर प्रियदर्शनी। मैं जी जी सही है, मैं
मैं, ये शब्द आदम पहली बार कह रहे हैं, मैं, मैंने तेरा शब्द सुना, मैं डर गया और मैं नंगा था इसलिए छिप गया। इससे पहले आदम ने कभी मैं नहीं बोला था, हमेशा आदम ने वही सुना जो परमेश्वर ने बोला था। आदम की जो अवस्था उत्पत्ति के पहले अध्याय में, उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में भी है, जब परमेश्वर के साथ में अदन की वाटिका में रह रहा है, यहाँ पर आदम में मैं है ही नहीं। आदम के लिए मापदंड के परमेश्वर जो कहता है वही आदम का मापदंड है, परमेश्वर जो कहता है वही बात को स्वीकार करते हैं। एक परमेश्वर के साथ में जुड़न हम देख सकते हैं आदम में, लेकिन जब मनुष्य पाप में गिरा तब से एक शब्द पर मनुष्य ने इजाद कर लिया या बना लिया, वो शब्द होता है मैं डर गया, मैं डर गया, मैं नंगा था इसलिए मैं छिप गया। लेकिन ये मैं के पीछे छिपा हुआ कोई और एक है, इस मैं के पीछे कोई तो और एक छिपा हुआ है, और इस छिपे हुए की पहचान परमेश्वर आदम को देना चाहता है। परमेश्वर आदम को बताना चाहता है, आदम तू क्यों डर रहा है? आदम पहले भी नंगा था लेकिन पहले कभी नहीं डरा, आदम अभी नंगा है इसलिए डर रहा है और कहता है मैं नंगा हूं इसलिए मैं छिप रहा हूं। तो परमेश्वर उसको क्या सवाल पूछता है 11 वचन में, उसने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? क्या पूछा? किसने तुझे बताया? किसकी तो सुन रहा है, किसकी बात तूने सुनी है कि तू कहता है मैं नंगा हूं? किसकी बात सुनी? शैतान की। शैतान ने आदम को छिपने के लिए लगाया, लेकिन आदम क्या कहता है? मैं कहता है। ये मैं के पीछे छिपकर शैतान हमें धोखा देता है, मुझे धोखा देता है। बहुत अजीब बात है ना, शैतान कभी भी, आपने पिक्चर में देखा होगा शैतान कैसे आता है पिक्चर में, अगर आप देखोगे तो काले काले कपड़े पहने होते हैं, सिंह होते हैं या फिर लाल लाल आंखें होती है, दांत लंबे होते हैं ड्रैकुला के जैसे, ऐसे होता है। अगर ऐसा शैतान आपके सामने आ जाए तो उसको पहचान लोगे ना कि शैतान है बोल के, बहुत अच्छे से पहचान लोगे शैतान है। शैतान कभी ऐसा आता ही नहीं है, या फिर काले कपड़े पहन के या फिर काला काला रंग से डरावना, ऐसा नहीं आता। बाइबल ऐसा रूप नहीं बताता शैतान का, बाइबल शैतान को सबसे सुंदर स्वर्गदूत के रूप में बताता है, सबसे सुंदर ज्योतिर्मय स्वर्गदूत ऐसा बताता है। लेकिन ये शैतान जब मुझे धोखा देता है वो एक नाम का इस्तेमाल करता है, और वो नाम कौन सा है? मैं। इस नाम के पीछे छिपकर मुझे धोखा देता है और मुझे गिराता है, उसके सोच में गिराता है। अय्यूब भी ऐसे ही धोखा खा रहा है, लेकिन अय्यूब क्या सोचता है? मैं सही हूं, मैंने क्या गलत किया है, मैं कौन से इसे इस प्रकार से इस लायक हूं कि ऐसे मुश्किल का और समस्या का सामना कर पा रहा हूं, इसलिए परमेश्वर मेरा दुश्मन है। कौन है जो अय्यूब को बोलता है परमेश्वर उसका दुश्मन है? कौन है जो अय्यूब को यह सोच दे रहा है परमेश्वर ने तुझे निशाना बनाया है, परमेश्वर ही तेरे खिलाफ है? कोई तो है, लेकिन अय्यूब उसके बारे में क्या सोचता है? ये मैं हूं, ये मैं ऐसा सोचता हूं। इसका एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, हमारे पास में आज भी इतना ज्यादा समय नहीं है, लेकिन फिर भी निर्गमन का 3 अध्याय आप खोलिए, निर्गमन एक्सोडस का 3 अध्याय, निर्गमन का 3 अध्याय उसका 3 अध्याय का 3 अध्याय के कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। तीन अध्याय का 9, 10 और 11 ये वचन आप पढ़ सकते हैं क्या हमारे लिए? कोई 9, 10 और 11 वचन, निर्गमन का 9, 10 और 11 वचन जी। सिस्टर रजिना पढ़ सकते हैं। इसीलिए अब सुन इज़राइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेरा करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसीलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इज़राइली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इज़राइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इन बातों का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ। तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके
तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। ये तीन अध्याय के और भी वचनों को मैं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन बाद में आप इसको ध्यान से विस्तार से देख सकते हैं, आगे समय रहेगा तो हम उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर परमेश्वर मूसा को क्या कहता है? परमेश्वर मूसा पर प्रकट होता है। मूसा 80 साल का बुढ़ा ऐसा हो चुका है, मिद्यान में इतने इतने 40 साल तक सिर्फ भेड़ बकरियों को चराने का काम किया हुआ ये मूसा, इसके ऊपर परमेश्वर जलती हुई झाड़ी में प्रकट होता है और परमेश्वर मूसा को क्या कहता है कि मुझे मेरे लोगों की इजरायलियों की बुलाहट सुनाई दी है, उनका जो पुकारना है मुझे सुनाई दिया, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं उनको छुड़ाऊं, इसलिए मैं तुझे चुना हूं, तू जाकर मिस्रियों के उस देश में से इजरायलियों को छुड़ा के लेके आ। और परमेश्वर ये भी कहता है मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे उनको छुड़ाने लाने के लिए मैं तुझे लेके जा रहा हूं और तुझे काम करूं। तो कौन इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाएगा? कौन छुड़ाएगा? परमेश्वर। जी सही कहा सिस्टर, परमेश्वर छुड़ाएगा। परमेश्वर कहता है मैं छुड़ाऊंगा, लेकिन मूसा जब सुन रहा है, मूसा कैसे सुन रहा है? मैं छुड़ाना पड़ेगा, मुझे छुड़ाना पड़ेगा, मैं कैसे जाऊं? वो कहता है मैं नहीं जा सकता। बाद में तो वो कहता है कि जो सच में मैं मुंह का भद्दा हूं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बोलने के लिए भी नहीं आता, मैं कैसे उनको छुड़ाऊंगा? वो जाकर मुझे पूछेंगे किसने तुझे भेजा, मैं क्या बताऊंगा? इस प्रकार से मूसा लगातार बोल रहा है, परमेश्वर मूसा को बोल रहा है मूसा तू जा, मैं उन्हें छुड़ा कर लेकर आऊंगा। लेकिन मूसा क्या सोचता है, मैं कैसे जाऊं, मुझे तो छुड़ाना के लिए नहीं आता, मेरा मुंह भद्दा है, मैं नहीं बोल सकता। मूसा जो मैं बोल रहा है, परमेश्वर जो मैं बोल रहा है, ये तो पूरा अलग ही है ना, पूरी तरह से अलग है। तो इसमें एक और बात हम क्या देख सकते हैं, परमेश्वर मूसा को अपना नाम बताता है, यहोवा, मतलब 14 वचन में लिखा है परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूं सो हूं। ये नाम परमेश्वर मूसा को बताता है, मैं जो हूं सो, आई एम हु आई एम, मैं जो खुश हो, मतलब इसका मतलब क्या, परमेश्वर खुद ही है, परमेश्वर ही है, परमेश्वर के अलावा कुछ नहीं है, परमेश्वर ही है, वही अकेला अस्तित्व में रह सकता है, वही इस सृष्टि का निर्माण करता है, वही मैं जो हूं सो हूं, वही परमेश्वर है। असलियत में ये मैं शब्द इस्तेमाल करने के काबिल सिर्फ परमेश्वर ही है, क्योंकि वही कह सकता है ना, मैं कब कह सकता हूं, मैं जब मेरे पास में काबिलियत है, ताकत है कुछ ना कुछ तो करने की। मूसा जब देखता है अपने पास ताकत नहीं है, इसलिए कहता है मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कर सकता। परमेश्वर कहता है मैं करूंगा, लेकिन मूसा कहता है मुझसे नहीं होता। ये दो मैं ही अलग बन चुके हैं। आज हमारे आत्मिक जीवन की समस्या, सबसे बड़ी समस्या क्या हुई है, मैं नाम का इस्तेमाल करके मुझे कौन धोखा दे रहा है, मुझे कौन चला रहा है, उसको पहचान ही नहीं पाते हम। आयुब भी यही कह रहा है मैं सही हूं, मैंने इस स्थिति से काम किया है, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया है, मैंने कभी किसी को बुरी नजर से नहीं देखा, ऐसी बातें आयुब बोलते जाता है, लेकिन कभी भी नहीं जान पाता कि मुझे चलाने वाला ये कौन है। अपने आप पर भरोसा करने के लगाता है। भाई बहनों, मैं आपको इन सारी बातों को बताकर कुछ ज्ञान नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सोचिए, आप किसके सुनते हुए जी रहे हैं, आप किसको किसके ऊपर ध्यान देते हुए, किसकी बातों को सुनते हुए जी रहे हैं। और ये भी सोचिए कि मुझे परमेश्वर के खिलाफ ले जाने वाली आवाज कहाँ से आती है, परमेश्वर के खिलाफ जो बोलने वाली आवाज आती है वो कहाँ से आती है, मुझमें से आती है, मेरे अंदर से आती है। और वो आवाज ऐसी आवाज होती है जो किसी दूसरे का नाम नहीं, मेरा ही नाम लेकर आती है। तो इसे लगता है ये मेरी आवाज है, मेरी सोच है, ये मेरा मन है। यहूदा इस्करियोत भी इसलिए धोखा खाया ना, जब शैतान ने यहूदा इस्करियोत के मन में सोच डाली कि तू जाकर यीशु को पकड़वा, तो वो सोच को वो पहचान ही नहीं सका, ये शैतान है जो ये सोच डाल रहा है। उसको क्या लगा, ये मेरी सोच है, इसलिए उस सोच के पीछे जाते हुए उसने ऐसा काम किया। बाइबल में कई ऐसे लोग हैं, आप बाइबल में जो लोग बर्बाद हुए ना, जिन लोग नाश की ओर गए हैं, उन लोगों को थोड़ा सा ऐसा लिस्ट बना के उनका नाम निकाल के उनके नाश होने का कारण ढूंढ कर देखिए, क्या किस कारण से नाश हुआ। एक राजा है यारोबाम नाम का राजा, यारोबाम राजा इसराइल का, इसराइल परमेश्वर ने यहूदा और इसराइल को विभाजित करने के बाद इसराइल का राजा बनाया परमेश्वर ने राजा बनाया, लेकिन ये राजा नाश हो जाता है। इतना इसको परमेश्वर दुष्ट कहता है कि उसके बाद में जो कोई भी दुष्ट राजा आए उन सब का नाम यारोबाम से जोड़ता है, तू यारोबाम के जैसा दुष्ट है। और कोई अच्छा आया ना, कोई मतलब बहुत परमेश्वर के मन से जीने वाला ऐसा व्यक्ति राजा हुआ, तो उसको कहता है तू दाऊद के मार्ग में चला, तू दाऊद के जैसा है। लेकिन जब कोई दुष्ट है तो उसको तू यारोबाम के जैसा है। इतनी बुराई यारोबाम ने क्या की पता है, यारोबाम ने
अपने आप की सुन, अपने अंदर से आने वाले उस सोच, एक दिन उसके मन में डर आ गया, उसके मन में डर आ गया और वो डर के मारे केवल उस डर के कारण उसने मूर्तियां सोने की बछड़े बनाए, इसराइलियों को परमेश्वर से दूर लेके गए। ये मैं, मेरे अंदर से आने वाली ये जो आवाज है, ये मुझे परमेश्वर से अलग करने के लिए खींची हुई लेके जाती है, लेकिन लोग इसे पहचान नहीं पाते कि ये मुझे परमेश्वर के खिलाफ ले जाने वाली आवाज है। उसे अपनी आवाज मानकर उसको पीछे चलते हैं, सुनते हैं। सबसे बड़ा अनुग्रह अगर हमें कुछ मिला है तो ये मिला है कि हम अपने आप की सुनकर नाकामयाब हुए। मेरे मन की आवाज को सुनकर मैं नाश की ओर गया। हालांकि मैं अभी फिलहाल सिर्फ 29 साल का ही हूं, लेकिन इस 29 साल की उम्र में परमेश्वर ने मुझे एक सबसे बड़ा अनुग्रह या फिर सबसे बड़ी चीज जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई, वो एक सिखाई कि अगर मैं मेरे सोच के पीछे चलूंगा तो मैं केवल नाश ही हो सकता हूं। मेरी सोच, मेरे अंदर से आने वाली ये आवाज मुझे बर्बादी की ओर लेके जाती है। मैंने 18 साल की उम्र में उद्धार पाया, 18 साल की उम्र में उद्धार पाने को 19 साल की उम्र में मैं मिशनरी स्कूल में आकर प्रशिक्षण पाने लगा। लेकिन ये सारे इतने सारे साल में, लगभग पिछले कुछ 10-11 साल में, परमेश्वर एक बात मेरे मन में साफ करता जा रहा है और साफ करता जा रहा है, आगे भी साफ करता रहेगा, कि मैं अपने आप की सुनकर ही सबसे दर्द में रहता हूं। पिछले बार भी जैसे मैंने मेरे पासपोर्ट की गवाही भी बांटी, क्यों मैं दर्द में हूं? परमेश्वर तो कहता है मैं तुझे दूंगा, लेकिन मेरे अंदर से एक आवाज आती है कि वो मुझे नहीं देगा, नहीं है, मिल नहीं रहा, क्या करूं। इस रीति से ये आवाज, इस मैं अपने आप को सुनकर दर्द में जीते आया, इस मैं अपने आप को सुनकर नाकामयाब हुआ, लोगों को धोखा दिया, लोगों को फंसाने का काम करने का काम मैंने अपने आप को सुनकर ही किया। तो परमेश्वर ने मुझे प्रशिक्षण दिया, प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया। कौन सा ट्रेनिंग दिया? देख, तू अपने आप के पीछे जाकर तुझे क्या मिला? यही मिला ना, तो अपने आप के पीछे जाकर सिर्फ नाश की ओर ही जा सका। तो अभी इस अपने आप से, अपने सोच से मन फिराकर मेरे वचन पर विश्वास कर। 2010 साल में परमेश्वर ने मुझे एक सवाल पूछा, वो सवाल ये था कि प्रोजेक्ट, आज तक इस 19 साल की तेरी उम्र में तूने तेरे मन के अनुसार सब कुछ किया, जो तूने अपने आप को बहुत होशियार माना, अपने आप को जाना कि दूसरों से बेहतर है, तू जो चाहता है वो कर सकता है। मैं तो जैसे मेरी माँ से कहता था कि माँ तू चिंता मत कर, मैं डॉक्टर बनूंगा तो सबसे बेहतरीन डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा तो सबसे बेहतरीन बनूंगा। इतना अपने आप पर भरोसा करने वाला मैं, ये अपने आप पर भरोसा करके क्या मिला तुझे? ऐसा सवाल परमेश्वर ने मुझे पूछा। क्या मिला पता है? सिर्फ दर्द, सिर्फ तकलीफ, सिर्फ नाकामयाबी। और मैं ऐसी अवस्था में पहुंच गया जहां पर आगे बढ़ना, आगे जीवन जीना मेरे लिए मुश्किल लग रहा था। तो इस समय परमेश्वर ने कहा, आज तक तूने अपनी सुनकर जीवन जिया है, तो आज से तेरे जीवन को मेरे हाथ में दे दे, मैं तुझे चलाता हूं और फिर देख तेरे जीवन को मैं किस रीति से चलाऊंगा। ये एक सटीक जैसे टर्निंग पॉइंट होता है ना, मेरे हाथ से जीवन निकल कर परमेश्वर के हाथ में गया और परमेश्वर ने उसको चलाया। शुरुआत में जब परमेश्वर चला रहा था, मैं डर रहा था, ये क्या हो रहा है, ये सही हो रहा है क्या, क्या परमेश्वर मुझे सही रास्ते पर लेके जा रहा है क्या? क्योंकि हमेशा जब मैं अपने आप को देखता था ना तो मुझमें कोई आत्मिक बात है, सुसमाचार से प्रेम करने का मन नहीं है, बाइबल पढ़ना भी मेरे लिए मुश्किल है, प्रचार करना मुश्किल है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था मैं गलती से पास्टर बन गया, शायद से परमेश्वर ने गलती कर दी या मेरे ऊपर के जो पास्टर थे उन्होंने गलती कर दी, उन्होंने मुझसे धोखा खा लिया, इसलिए मैं गलती से पास्टर बन गया। इस प्रकार से अपने आप की सुनते हुए जब मैं जी रहा था, बहुत दर्द और तकलीफ में ही जीवन जीता है। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने वो मन को भी दिखाया, देख तू अपने आप पर विश्वास कर रहा है और कैसे हो रहा है, इस मैं की आवाज सुनकर, तेरे अंदर से आने वाली इस आवाज को सुनकर तू दर्द में नहीं जी रहा है। कब तक ऐसे दर्द में जिएगा? कब तक, कब तक? आयुब का जीवन बहुत दर्द भरा है, इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे, ये 1-2 घंटों में खत्म होने वाली कहानी नहीं है। आयुब का जीवन बहुत दर्द में है, इतना दर्द है कि वो किसी की नहीं सुन पा रहा है। उसके 3 दोस्त उससे बात करते हैं, उन 3 दोस्तों की नहीं सुन पाता। 32 अध्याय के आगे एलीहू नाम का एक व्यक्ति है, ये एलीहू भी परमेश्वर के मन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो उसको बताता है, देख आयुब क्यों तो अपने आप को इतना सही कहता है, क्या तू परमेश्वर के सामने सही है? ऐसे बातें कहने वाले परमेश्वर के मन से वे लोग भी है, लेकिन उनकी भी नहीं सुन सकता, उनकी भी नहीं सुन सकता। इसलिए आखिरकार परमेश्वर को आयुब के सामने आना पड़ा और परमेश्वर को आयुब के सामने प्रकट होकर, आयुब से जब परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर जब बात करता है, ज्यादा नहीं, 2 अध्याय, 29 40 और 41 लगता है,
उस तीन अध्याय में परमेश्वर आयुब से बात करते, तीन अध्याय में जैसे परमेश्वर आयुब से बात करता है, ऐसे सवाल परमेश्वर आयुब से पूछता है जिस सवाल का जवाब जब आयुब नहीं दे पाता तो जान पाता है मैं कौन हूं, मैं अपने आप की सुनते हुए आया हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं किसकी सुनते हुए जी रहा हूं। ये इस 42 अध्याय के अंत में आयुब धूल और राख में पश्चाताप करते हुए हम देख सकते हैं। आयुब पश्चाताप क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने देखा, जाना, मैं किसकी सुनते हुए जी रहा हूं, मैं किसके अनुसार जी रहा हूं, किस कौन है जो मुझे चला रहा है, उसको जानकर कहता है, हाँ सच में मैं मूर्ख था कि मैंने इस अपने आप की सुना, इस अपने ज्ञान की सुना, मैंने अपने ज्ञान से अपनी समझ से परमेश्वर के सामने खड़े रहने की कोशिश की। ये समझ जो उत्पत्ति के 3 अध्याय में शैतान ने मेरे अंदर डाली है, उस समझ को लेकर परमेश्वर के सामने खड़ा रहते समय सिर्फ दर्द और तकलीफ और परमेश्वर का न्याय करता हुआ ही जीवन जी सका। भाई बहनों, मैं आपसे ये भी बांटना चाहता हूं कि कैसे अय्यूब का मन कैसे इस स्थान तक पहुंचा। शैतान बहुत ही धूर्तता से हमारे मन में काम करता है। वो धूर्तता से हमारे मन को ऐसी दशा में लेके जाता है जहां पर हम उस पर विश्वास किए बगैर रह नहीं सकते। आप दुष्टात्माग्रस्ती लोगों को देखते होंगे ना, दुष्टात्माग्रस्ती लोग होते जो अपने कपड़े निकाल के फेंकते हैं या कुछ एकदम बेकार की चीजें करते जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि शैतान उनको ऐसे स्थान में लेकर गया है कि जहां पर अभी वो शैतान की कठपुतली बन चुके हैं। ऐसी कठपुतली जो जैसे शैतान उनको खींचता है वैसे ही खींचे जा सकते हैं। आज भले आप ऐसे दशा में ना हो, आज आप भले कठपुतली ना बने हो, लेकिन योना के 13 अध्याय के 2 दशा में तो है ना। योना के 13 अध्याय के 2 वचन में तो शैतान ने यहूदा के मन में सोच डाली। और 27 वचन में, उसी योना का 13 अध्याय के 27 वचन में शैतान इस यहूदा में समा गया। तो ये दुष्टात्माग्रस्ती लोगों को जिनको देखकर आप न्याय करते होंगे या कुछ तो बुरा भला कहते होंगे, ये 27 वचन में है, लेकिन आप भी उनके पीछे पीछे ही है 2 वचन में है, जहां पर शैतान ने डाली हुई सोच को बहुत आसानी से स्वीकार करते हुए जीते हैं। आज इस मैं अपने आप की जब सुनता हूँ या मेरी सोच की जब सुनता हूँ तब ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा, क्या इतना क्या है, ऐसा थोड़ी है, मैं मेरे हिसाब से ही जीना चाहिए, मैंने ऐसा लगता है। लेकिन इसके अंत में जरूर तू यीशु का शिष्य है, हाँ तू शिष्य बनने के लायक नहीं, मर जा, जा फांसी लगा ले। यहूदा उसके पीछे चला गया। क्या ऐसी आवाज हमारे मन में नहीं आती? मेरे मन में तो आई। वो आवाज को देखकर मैं डर गया, ये क्या है, ये क्या, मैं किसकी सुन रहा हूं। ये आवाज आपके मन में भी आती है। क्यों? शैतान हमारे मन को खुद पर भरोसा करने वाला बनाकर ऐसे दशा में लेके जाना चाहता है कि जिस दशा में उसकी आवाज को एज इट इज हम सुन सकते हैं। मतलब वो बोलेगा नाश हो जा, मर जा, तो तुरंत उसके पीछे जा सकने वाले बनाना चाहता है शैतान। लेकिन परमेश्वर हमें खुद पर का भरोसा तोड़कर उसकी ओर भरोसा करने के लिए ले जाना चाहता है। तो इसके लिए वो हमें हमारे जीवन में मुश्किलें देता है, नाकामयाबी देता है, तकलीफें देता है। ये नाकामयाबी, तकलीफें या मुश्किलें शराब नहीं है भाई बहनों, ये सबसे बड़ा आशीष है, क्योंकि उससे हम जान पाते मैं किसकी सुनकर जी रहा हूं, मैं क्यों आज तकलीफ में हूं, मैं क्यों आज इस दशा में पहुंचा, अपने आप की सुनकर। हाँ, मैं इसकी सुनकर जीऊंगा तो ऐसा ही होगा, और इसलिए तब हम अपने आप से मन फिरा सकते हैं। ये सबसे बड़ा आशीष है इस आयुब के लिए। जो दर्द, जो तकलीफ शरीर में उसने सहा, जो सब कुछ उसने खो दिया, असल में ये सबसे बड़ा आशीष नहीं है क्या उसको? क्योंकि अगर ये नहीं होता तो उसके वो लक्षण, वो सिम्टम्स दिखाई नहीं देते कि शैतान उसके अंदर है और उसको ऐसा चला रहा है। लेकिन ये इन सारी चीजों के कारण शैतान प्रकट हो सका, तो उसका इलाज भी किया जा सका। आज हमारे मन में भी परमेश्वर ऐसे ही काम कर रहा है। भाई बहनों, अनुग्रह मतलब सिर्फ आशीष पाना, मतलब बहुत पैसा पाना, गाड़ी पाना, बंगला पाना, अच्छी अच्छी चीजें पाना, ये अनुग्रह नहीं है। मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा अनुग्रह वो व्यक्ति है, वो उस व्यक्ति ने पाया है जिस व्यक्ति ने अपने आप पर भरोसा करने का नतीजा जाना है, अपने आप के अपनी सोच के पीछे चलने का नतीजा जाना है और फिर परमेश्वर की ओर मुड़ सकता है। मेरी सोच परमेश्वर की सोच से अलग है, सिर्फ अलग ही नहीं, जमीन, आकाश और पृथ्वी के जितना फर्क है, जो कभी भी एक नहीं हो सकते, इतना है। तो इस सोच को लेकर कब तक मैं मेरे ही मार्ग में चलता रहूंगा? जिस व्यक्ति ने इस बात को जाना और वहां से मुड़ गया, फिर गया, वो व्यक्ति सच में बहुत बड़ा अनुग्रह पाया है। तो आपके जीवन में जो सारी बातें परमेश्वर दे रहा है,
38 साल से बीमार पड़े व्यक्ति के लिए 38 साल अनुग्रह के साल थे, जिस 38 साल में उसने जाना मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे लिए भी जब मैं नाकामयाब हुआ, जब मैं सच में नीचे गिरा, वो नीचे गिरना मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि तब मैं देख सका हाँ मैं किसकी सुन रहा हूँ। भाई आपके जीवन में भी ऐसे काम होंगे, इस कामों को बस मेरे साथ में हुई बुरी बातें बन के मत सोचिए, ये बातें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। इसके द्वारा आप परमेश्वर के सामने खड़े रह सकते हैं और देख सकते हैं मैं किसकी सुनते हुए जीता आया हूँ। आज मैं इतना ही बात करूंगा, कल मैं इस अय्यूब के बारे में ये बात करना चाहता हूँ कि अय्यूब का मन यहाँ तक, इस दशा तक कैसे पहुंचा कि वो परमेश्वर की सुनने उसने छोड़ दिया है, परमेश्वर की नहीं सुन रहा, किसी और की भी नहीं सुन रहा, और अपने आप को सही बनाने की उस दशा तक पहुंचने का एक एग्जैक्ट प्रोसेस है। एग्जैक्ट प्रोसेस, ये मन की दुनिया जिसके बारे में बात कर रहा हूं ना, ये एग्जैक्ट एक फॉर्मूला के जैसे एकदम प्रिसाइस है। तो इस दशा तक पहुंचने तक उसके मन में कुछ कुछ बातें हुई है, कुछ कुछ उसके जीवन में ऐसी चीजें हुई है जिसने उसको इस दशा तक लाया है। तो उसके बारे में मैं अगली बार जरूर बात करना चाहूंगा, कैसे अय्यूब का मन शैतान के द्वारा खींचे जाने की इस दशा तक पहुंच सका और अय्यूब ने उसे कैसे जाना और फिर उससे मन फिराकर परमेश्वर पर विश्वास कर सका। तो आज हमने थोड़े से देर से शुरुआत की क्योंकि कल की समस्या के कारण बहुत सारी चीजें हम भी कर रहे थे, तो उसी के गड़बड़ी में थे, उसी के सारी बातों में थे। तो आपको अगर उसके कारण कुछ तकलीफ हुई होगी तो सच में हम बहुत माफी चाहते हैं, लेकिन ये सारी जो सिक्योरिटी प्रिकॉशंस भी जब हम ले रहे हैं आप ही के साथ में अच्छे से वचन बांटने के लिए, अच्छे से समय बिताने के लिए कर रहे हैं, तो मैं सच में आशा करता हूँ बहुत सारे भाई बहन हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। तो अगर आप इस हमारे व्याख्यानों की लिंक हर रोज पाना चाहते हैं, क्योंकि ये लिंक हर रोज बदलेगी, तो इस लिंक को हर रोज बदलने के कारण हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है पावर ऑफ द वर्ड, ये ग्रुप में ये लिंक हर रोज डाली जाएगी। आप में से मुझे लगता है ज्यादातर लोग उस ग्रुप में शामिल है, अगर कोई उस ग्रुप में नहीं है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपको उस ग्रुप में प्रवेश करने का लिंक भेज सकते हैं, आप उसमें ज्वाइन होकर हर रोज वहां से वो लिंक पाकर आप हमें इस जूम में हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, या फिर आप किसी और को, वैसे दूसरे व्यक्ति को अगर आप इनवाइट करना चाहते हैं उनके लिए जूम में जुड़ना मुश्किल हो रहा है, तो उनको आप हमारे यूट्यूब चैनल का भी एड्रेस दे सकते हैं, उनका लिंक, वीडियोस के लिंक भेज सकते हैं ताकि वो यूट्यूब पर भी लाइव सुन सके। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे भाई बहनों के लिए कि आप आज भी हमारे साथ में मौजूद रहे। ये मन फिराव और विश्वास बहुत ही गहरी बात है और सच में हमारे हर एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी बात है। तो मैं आशा करता हूँ हम इसमें से बहुत ज्यादा अनुग्रह पाते हुए आगे वचन का अध्ययन और करते रहे। आज मैं इतना ही बात करना चाहूंगा, आप में से अगर कोई गवाही देना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है उस बातों के लिए, उनकी कुछ गवाहियों को हम सुनेंगे, तो आप जो गवाही देना चाहते हैं आप हाथ ऊपर उठा सकते हैं ताकि हम आपको गवाही देने का मौका दे सके। क्या कोई है जो आप में से अपना मन व्यक्त करना चाहता है वचन को सुनने के बाद में, इस अय्यूब के बारे में सुनने के बाद में, मन फिराव और विश्वास इस विषय को लेकर जो हम आपसे जुड़े हुए हैं, लगातार बातें कर रहे हैं, बहुत अलग अलग बातों को हमने बांटा है, तो कुछ भी है अगर आप इसमें से व्यक्त करना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं या किसी और के बारे में थोड़ा कुछ विषय है जिसके विषय में भी आप और सुनना चाहोगे आगे, वो भी बता सकते हैं। जो कुछ भी आप बात करना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। क्या कोई है जो बोलना चाहता है हमसे, जूम से जुड़े हुए लोगों में से? जी सिस्टर प्रियदर्शनी आप बात कर सकते हैं। जी नमस्ते। पास्टर आप हमें सुन सकते हैं? पास्टर एक्चुअली मैं, मेरे मन में बहुत लंबे समय तक मैं भी अपने मतलब हालांकि मैं तो चर्च तो जाती थी और गैप कभी कभी एब्सेंट भी रहती थी और संडे सर्विस अटेंड नहीं करती थी, मतलब ऐसी ऐसी बहन हूँ मैं, मेरा अगर कोई छुट्टी वट्टी हो गया तो अपने पति के पास चली जाती थी, तो मेरा मन हमेशा उसी में ही, मतलब मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रही थी कि मैं, मुझे शादी को 20 साल हो गया लेकिन मेरे हस्बैंड अभी तक बॉर्न अगेन नहीं हुए हैं, तो हमेशा उसी बात को लेकर मैं उससे बाहर निकल नहीं पा रही थी, हमेशा मैं परिस्थिति को देख रही थी और क्यों कोई भी एल्डर या डिकन मेरे पति को क्यों प्रचार नहीं करते थे, तो इस तरह का बहुत सारे कंप्लेन, यू नो क्यों पास्टर मेरे पति के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर के दास को भी जब मैं बोली कि पास्टर प्लीज किम, पास्टर प्लीज मेरे पति के लिए प्रार्थना करिए, तो बोले कि मैं तुम्हारे लिए करूंगा, मैं तुम्हारे पति के लिए क्यों करूंगा, तो मैं इससे बहुत दुखी हो गए।
तो लेकिन जैसे ही मैं जूम से वचन को सुन रही हूँ, बार बार इतने बार सुन रही हूँ, तो मेरा मन जो है वो वचन की ओर शिफ्ट होता जा रहा है और शिफ्ट हो रहा है, और मुझे विश्वास मतलब बहुत स्थिर हो रही हूँ मैं, कि हाँ मेरे परमेश्वर, मेरे पति, मैं वचन को देख रही हूँ अभी कि हाँ नहीं, मेरे पति हालांकि वो बॉर्न अगेन नहीं है, लेकिन वो बॉर्न अगेन है। हालांकि मेरे पति सुसमाचार के लिए नहीं जी रहे हैं, लेकिन वो चोजन वेसल है। तो इस तरह का मतलब मेरा जो मन जो परिस्थिति की ओर हो रहा था इतने सालों से, अब परमेश्वर के वचन की ओर देखने को मतलब मेरा दिल, मतलब मैं वचन को विश्वास कर रही हूँ, जैसे कि लिखा है मार्कुस के 11:32 में कि वट एवर थिंग्स यू आस्क व्हेन यू प्रे, बिलीव दैट यू विल रिसीव देम एंड यू विल हैव देम। ये वचन पूरी तरह से इतने बार सुनने के बावजूद भी, लेकिन अभी याद आ रहा है कि पास्टर पार्क जो बोले थे कि हाँ उनको अल्सर है, लेकिन फिर भी वो बोले कि आई एम हील्ड, इसी वचन को लेकर पास्टर बोल रहे हैं। तो मेरा भी मतलब, और एक नंबर्स का 14:28 पास्टर थोड़ा पढ़ सकते हैं क्या, गिनती का 14:28 क्या आप मेरे लिए पढ़ सकते हैं पास्टर, मेरे पास हिंदी बाइबल नहीं है। 28 पास्टर, इसलिए उनसे यह कह कि यह वाणी यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तो ये जो है कि इसमें इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि say to them as I live says the Lord, just as you have spoken in my hearing, so I will do to you। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये वचन। रियली मैं अभी और कभी नहीं बोलूंगी कि मेरा पति बॉर्न अगेन नहीं है, मैं हमेशा बोलूंगी कि मेरा पति बॉर्न अगेन है, ही इज अ चोजन वेसल। और मैं और परिस्थिति को और नहीं देखूंगी पास्टर, मैं बहुत देख लिया परिस्थिति को, और उसमें मतलब जरा भी परमेश्वर के ऊपर डाउट करना ये बहुत गलत बात है, ये मेरे दिल में मुझे मिल रहा है। लेकिन अभी जो ये जो मिलाप तंबू, उसके बाद अभी रिपेंटेंस एंड फेथ, तो ये जॉब का जो कहानी, और पॉल जैसे पॉल रिपेंट किए, और पीटर का ये जब इतना सुनने के बाद सच में ऐसा मन कर रहा है कि रियली आई मस्ट रिटर्न टू वर्ड ऑफ गॉड। ऐसे बाहरी रूप से लग रहा है कि मैं बॉर्न अगेन हूँ, लेकिन अंदर में बहुत सारे डाउट और बहुत सारे दर्द और डर, बहुत कुछ मेरे दिल में था। लेकिन अभी धीरे धीरे मेरा अभी तो मेरे माँ बाप भी चर्च छोड़ चुके थे, तो मैं बहुत रोई जब मेरे माँ बाप चर्च छोड़ दिए, तो मैं बहुत रोई। और मेरा भाई, मैं अपने भाई को बहुत प्यार करती हूँ, तो लेकिन अभी भी मेरे मन में वो विश्वास है कि नहीं, मेरे माँ बाप भी चर्च को वापस रिटर्न करेंगे, वो रिटर्न कर चुके हैं ऐसा विश्वास आ रहा है। और मेरा भाई वो बहुत खुश है, इन दिनों मैं उनको प्रचार कर रही हूँ अपने भाई को, और वो बहुत खुशी से सुन रहा है, जो कभी नहीं सुनता है वचन, लेकिन वो बहुत खुशी से सुन रहा है। उसका नाम चित्रंजन ब्रदर है, मैं उसकी बहन हूँ, बड़ी बहन हूँ मैं उसकी, वो मेरे से 1 साल छोटा है। और मैं उसको वचन जब दे रही हूँ तो बहुत सुन रहा है, हालांकि मेरे माँ बाप उसको बोलते हैं कि मत सुन, लेकिन वो सुन रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ, आशा करती हूँ परमेश्वर मेरे परिवार को प्यार करते हैं, और जरूर मेरे माँ बाप फिर से चर्च को रिटर्न करेंगे, और मेरा भाई भी रिटर्न करेगा इस आशा में हुआ, मेरे पति भी डेफिनेटली गॉस्पल वर्क करेंगे। और वो परमेश्वर वचन कह रहा है कि यू नो व्हाट एवर थिंग्स यू आस्क व्हेन यू प्रे, बिलीव दैट यू विल रिसीव देम एंड यू विल हैव देम। और जो कुछ भी तुम बोलोगे मेरे हियरिंग में, तो वो वैसा ही मैं करूंगा। तो बहुत आशा, थैंक यू पास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर आपकी गवाही हमारे साथ में बांटने के लिए। और आप में से कोई एक और गवाही को हम सुन सकते हैं, अगर आप में से कोई है जो अपने मन को व्यक्त करना चाहेगा हर एक बातों को। जी हमारे साथ में ब्रदर पप्पी है, भुवनेश्वर से है। जी भाई क्या आप बात कर सकते हैं? नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। पहले तो मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ पास्टर कि उन्होंने परमेश्वर की दासों को हमारे लिए प्रस्तुत करके अभी जो वचन दे के हृदय को दिखा रहा है वचन के अनुसार,
इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद आपको भी मैं दिल से बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ कि एक मनुष्य के नाते अगर देखूँ तो ये इम्पॉसिबल होता है कि कोई भी मनुष्य किसी मनुष्य के लिए इतना टाइम नहीं निकल सकता, और दिल के बारे में दुनिया में जीने के बारे में उतना नहीं बोल सकता। और जो कि परमेश्वर ये काम कर रहे हैं आपके जरिए, और आप भी हमारे लिए इतना समय उठा के, मैं आपको ये प्रेज तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके दिल को जब मैं देखता हूँ तो दिल में भी बहुत थैंकफुल हूँ आपसे कि आप ये बोल रहे हैं कि हमारा सब, जैसे कि मैं अपना खुद मेरा खुद का दिल के बारे में आप व्याख्यान कर रहे हैं वचन के द्वारा। तो सच अभी जो आप ये रिपेंटेंस एंड फेथ के बारे में बोल रहे हैं, तो ईश्वर की दुनिया में रिपेंटेंस क्या है और फेथ क्या है, जब मैं आपके आपसे सुन रहा हूँ तो सही में तो ट्रू रिपेंटेंस मैं सोचता था कि आपने जो मैं बुराई करता हूँ या फिर कभी कभी बुराई आ जाता है दिल में और चाहने से या ना चाहने से, उस सब को बंद करने के लिए ट्राई करने के बाद और ईश्वर के तरफ जो मन को लाना और उसी के अनुसार जीवन बिताना, वो रिपेंटेंस होता है। तो ऐसे में पिछले समय बहुत दिन ऐसे बहुत समय में गुजर हुआ 2007, उसी समय से बाद भी मैं जब वचन सुना उसी समय से बाद भी मैंने देखा कि मेरे जीवन में वही सेम चीज, मेरे को लगता था कि मैं वचन सुन रहा हूँ और वचन मेरे लिए काम कर रहा है, और क्योंकि जब मैं वचन सुनता था चर्च जाता था या फिर किसी परमेश्वर के दास से वचन सुनता था तो मुझे लगता था उसी समय कि ठीक है बहुत बढ़िया वचन है और आज से मुझे ऐसा ही जीना है, लेकिन वास्तविक जीवन में जब देखता हूँ तो वो नहीं होता है, क्योंकि वचन सुनने से तो स्ट्रेंथ आ जाता है दिल में, जब चर्च से बाहर निकलने के बाद या फिर किसी जगह से जहाँ प्रीचिंग होता है उससे बाहर निकलने के बाद, ये दुनिया में हर किसी का एक सिचुएशन डिफरेंट सिचुएशन हम लोग गुजरते हैं, तो उसी समय वो सिचुएशन दिल को क्या करता है, वो वचन को सब खा जाता है, खाने के बाद वो वचन सब कहाँ गायब हो जाता है, उसके बाद एक खुद का सोच निकलता है उसमें। तो उसी समय से वचन के ऊपर निर्भर ना करते हुए और उसी सोच जो सिचुएशन के ऊपर जजमेंट आता है, ये सिचुएशन मेरे सामने अभी ऐसा आया है तो इस सिचुएशन को मैं कैसे पार करूं, ज्यादातर के समय में जब अच्छा सिचुएशन है जैसे कि कुछ अच्छा काम हो गया जिंदगी में उसी समय तो हमको लगता है कि ये परमेश्वर से आ गया अच्छा काम हो गया, जब बुरा सिचुएशन आता है तो उसी समय में परमेश्वर को मैं याद नहीं करता था, तबकि परमेश्वर को याद करने के सिवा उस सिचुएशन के साथ मैं बातें करता था और उस सिचुएशन को मैं क्या करता था उसके बात करके उनसे उभरने के लिए कोशिश करता था, अगर डिफरेंट जितना सारा हो सकता है मेरे से उस सिचुएशन को उभरने के लिए जितना सारा फॉर्मूला हो जितना सारा टेक्निक हो अपने से ताकि मैं उस सिचुएशन से ओवरकम हो सकता हूँ। ऐसा आपने बोला कि मम्मी पापा सोचते थे कि मेरा बेटा एक इंजीनियर बने डॉक्टर बने, हाँ वो तो जिंदगी में हम लोग सब लोग पढ़ाई करते हैं, मैं भी पढ़ाई किया हूँ, तो पढ़ाई करने के बाद भी वो पढ़ाई का जो सोच होता है ना वो अच्छा सोच, मैं इतना तक पढ़ा हूँ तो मेरे से इतना अच्छा सोच मैं कर सकता हूँ क्योंकि इतना मैं अच्छा पढ़ाई किया हूँ, क्योंकि मेरा जो सोसाइटी का एक लेवल है मैं इसी सोसाइटी में लेके ये काम मैं कर सकता हूँ, ये जो सोच अंदर में वो एक क्या होता है कि शैतान के द्वारा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए नहीं होता है। तब जब मैं आपका ये वचन सुन रहा था इसी व्याख्यान में आप हृदय के बारे में बोल रहे थे कि जैसे कि जेनेसिस चैप्टर में आपने दिखा जो सिस का फाइट हृदय के बारे में बोला गया, ईश्वर ने देखा कि मनुष्य का उदर इतना गंदा है, और जिरेमिया में भी आपने बोला कि 17:9 में कि मनुष्य का हृदय कैसा है, और बहुत सारा वचन आपने बोले। तो रिपेंटेंस एक्चुअली रिपेंटेंस ये नहीं था कि मैं क्या कर सकता हूँ, जब आपके द्वारा वचन सुन रहा हूँ तो जो भी मेरा अच्छा और गलत विचार है जिस सोच को मैं पकड़ के जी रहा हूँ
वो सही में एक बैरियर है मेरे मेरे दिल में मेरे से, ताकि मैं ईश्वर का सुर सुन सकूं। मैं चाहे ठीक सोच रहा हूँ या फिर गलत सोच रहा हूँ, वही एक बैरियर होता है मेरे लिए, ताकि मैं वो एक मेरे लिए ईश्वर का वचन सुनने के लिए बैरियर है। तो मैं जब इस समय वचन सुन रहा हूँ, आपसे भी सुन रहा हूँ, और इस दौरान कोरोना के टाइम में बहुत सारे पास्टर जो अनुग्रह से हम लोग को दूर होते हुए भी सब भाई बहनों के लिए इतना परेशान है, इतना चिंतित है हृदय के लिए, तो मैं सब धन्यवाद देता हूँ। तो उसी समय मैं सोचता हूँ कि सच्ची में मैं ईश्वर को कभी भी नहीं विश्वास नहीं किया। मैं सोचता था कि मैं विश्वास कर रहा हूँ और विश्वास का जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन विश्वास कहाँ पे होता है? जब मैं वचन को देखता हूँ, वचन में मेरे लिए क्या लिखा गया, तो वचन में मेरे सोच से बाहर लिखा गया है कि नहीं, तुम जो सोचते हो वो सच नहीं है। जब आप ये व्याख्यान कर रहे हैं कि हाँ, मैं अपने जिंदगी में देखा है कि सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है, मैं वो भी मैं बुरा काम करके कोई कोशिश नहीं करता है सक्सेस होने के लिए। सब अपना 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 खुद का अच्छा काम करके सक्सेस होने के लिए सब लोग सोचते हैं, लेकिन मेरा खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं देखा हूँ कि मेरा जितना सारा एफर्ट है, जितना सारा नॉलेज भी क्यों ना वहाँ पे डाला जाए, तो मैं देखा कि वो सक्सेस नहीं हो। जितना सारा टेक्निक भी उसमें हाँ मिलता है, लेकिन शांत नहीं है, अच्छा नींद नहीं है, खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। तो ये जब वचन देख रहा हूँ कि सच्ची में जब परमेश्वर के साथ हृदय को या परमेश्वर के वचन में जब हृदय मिलता है, तभी परमेश्वर का वो जो वचन काम करता है। जैसे कि पास्टर बोल रहे थे कि जब 38 इयर्स का जो वो आदमी जब वो अपने बेड में पड़ा हुआ था, तब ईश्वर ने बोला कि तुम उठो और अपना खटिया पकड़ के चलो। तो उस समय तो उसको वो नहीं, उसको ये क्या है कि वो ऐसे ही था, लेकिन जब वचन उसी समय उसके लिए वचन काम करते। लाजरस के लिए भी जब राजा ने मर गया था, तब परमेश्वर ने बोला कि लाजरस निकल जा, तो वचन ने गया और लाजरस को उठाया। तो उसी समय जब ये परमेश्वर का वचन ही मेरे लिए काम करेगा, वही मैं विश्वास पाता हूँ। तो इसीलिए मैं जो मेरा पास्ट लाइफ याद कर रहा हूँ अभी, मुझे डर लग रहा है कहीं मैं फिर से अपने सोच के विचार से कहीं नहीं फिर से चला जाऊं, उसके बाद फिर से मैं वही कष्ट वही समस्या में ना पड़ूं। इसीलिए अनुग्रह मिलता है कि हर दिन जब आप वचन प्रचार करते हैं, तो ये सुन के एक आशा मिलता है। हर दिन आप लोग हमारे लिए एक वचन जैसे कि खाना प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे लिए हृदय में, वो क्या स्ट्रेंथ देने के लिए, ताकि हम हर दिन ईश्वर के साथ कनेक्ट होके एक 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 भरोसापूर्ण जीवन और अच्छा आत्मिक जीवन, जैसे कि जहाँ ईश्वर काम करे हमारे लिए, जहाँ ईश्वर सोचे हमारे लिए, वही मैं दिखता हूँ कि मैं। इसीलिए मैं थैंकफुल हूँ जब आप पिछले 2 दिनों में वचन नहीं सुन पा रहा था, क्योंकि अभी स्कूल वगैरह खुल रहा है, तो बच्चों का ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग मोबाइल को भी यूज कर रहे हैं, तो 2 दिन में नहीं सुन पाया, इसीलिए मेरे को थोड़ा ये फील हुआ। लेकिन आज भी मैं अपने बच्चे का डिफरेंट क्लास किया, तो मैं कैसे सुन पाऊंगा ऐसे सोच रहा था। ऐसा कि मैं विश्वास नहीं हूँ, बल्कि मैं ऐसा स्पिरिचुअल नहीं हूँ, इसलिए मैं ढूंढ रहा था, ऐसे भी नहीं हूँ। लेकिन मुझे अनुग्रह मिला, उस परमेश्वर ने मुझे हृदय दिया वो सुनने के लिए, इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आप इतना अच्छी तरह हमारे लिए परमेश्वर का वचन प्रिपेयर करके जो दे रहे हैं इतने दूर होते हुए, इसलिए मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर आपकी कमाई को हमारे साथ में बांटने के लिए। हम बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे सभी भाई बहनों को जो हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ रहे हैं और परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं। ये प्रार्थना करते हैं और फिर आज के इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये मूल्यवान समय आपने जो हमें दिया है। इस समय में हम सच में आपके मन को जान पा रहे हैं, आपके मन से मिल पा रहे हैं। आप हमें और अनुग्रह दीजिए ताकि हम आपके नजदीक आ सके, ना कि ज्ञान से बल्कि हमारे मन अपने आप की सोच से फिर कर अपने आप से फिर कर आप पर ध्यान देने के लिए ऐसे बन सके। प्रभु, आपसे अनुग्रह मांगते हुए ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल सुबह फिर से 10 बजे हम जरूर मिलेंगे और अय्यूब के बारे में और बातें करेंगे। आपके इर्द गिर्द में जो भाई बहन है या फिर कोई आपके रिश्तेदार दोस्त है, उनको जरूर बताइए इस हमारे व्याख्यानों के बारे में, और विशेष करके इसको जुड़ने के जो तरीका है वो भी आप बता सकते हैं, तो हमारे ग्रुप में जुड़कर इसके लिंक हर रोज आप पा सकते हैं। आज के व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।